प्यारा माता का चौथा नवराता जय कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ कुशमांडा जय कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ जय कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ की तुम विधाता जय कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ ओ जब कुशमांडा तू मुस्काई तूने हंसी से दुनिया बनाई जय कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ प्रकाश है आया जय कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ ओ सिंह तुम्हारा मैया वाहन ओ जिस पर रहता आपका सन जय
मांडा मैया जय जय अम्बे माँ। मांडा मैया जय जय अम्बे माँ। कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ। कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ। शास्त्रों के अश्लोक बताते माँ, तेरे उपासक कष्ट न पाते जय कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ। कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ। रोग और शोक को नष्ट करे तू माँ, दूर भगत के कष्ट करे तू जय कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ। कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ। Yeah।
मांडा मैया जय जय अम्बे माँ। धन में हो वृद्धि जय कुशमांडा मैया जय जय अम्बे माँ।
गोंडा मैया जय जय अम्बे माँ शरण में माँ शीश झुकाए पढ़े चरणन में जय कुष्मांडा मैया जय जय अम्बे माँ सकारे जय कुष्मांडा मैया जय जय अम्बे माँ आइए भक्तों, आज हम माँ शेरावाली जी की कथा सुनते हैं। आइए श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। शेरावाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, शेरावाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, माँ की महिमा सुना रहा हूँ सुनो लगा कर ध्यान, शेरावाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, शेरावाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, कथा सुनाते हैं माता की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं माता की कथा सुनाते हैं। साचे दरबार की जय। भक्तों, माँ दुर्गा महारानी दानी वरदानी है। माँ के दर पे जो भी श्रद्धा पूर्वक अपनी व्यथा बताता है, माँ तुरंत उसके कष्टों को दूर करती है। कैसे, सुनिएगा। दुर्गा माँ की लीला महिमा भक्तों अपरंपार है, माँ की शरण में जो आए उसका होता उद्धार है, सब भक्तों को मन वांछित फल देती है माँ जगदम्बे, सबके मन की कामना पूरी कर देती है माँ अम्बे, एक सेठानी ने अब रो रो माता से जब विनती की, माँ दुर्गा महारानी मेरी गोद में भी दो पुत्र कोई, माता रानी मुझ दुखियों पे बस इतना उपकार करो, सुनी है माँ गोद मेरी तुम अपनी दया से इसे भरो, माता ने खुश हो के पुत्र का उसे दिया वरदान, माँ की महिमा सुना रहा हूँ सुनो लगा कर ध्यान, शेरावाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, शेरावाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, कथा सुनाते हैं माता की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं माता की कथा सुनाते हैं। माँ अम्बे जगदम्बे की जय हो। प्रिय भक्तजनों, माँ दुर्गा महारानी के चरण कमल जहाँ भी पड़ते हैं
वो भूमि पावन एवं सुखदायी हो जाती है एवं वहां से विघ्नों का पलायन हो जाता है। कैसे? जितने बुद्धिजीवी हैं संसार में उनको है ये खबर, कृपा दृष्टि रहती है माता की अपने भक्तों पर। वास जहाँ होता है माँ का रहमत वहाँ बरसती है, स्वर्ग से भी सुंदर ऐ लोगों लगती वहाँ की बस्ती है। दुख पीड़ा और रोग वहाँ से दूर बहुत हो जाते हैं, उस पावन भूमि पे संकट बादल के नहीं छाते हैं। अम्बे जगदम्बे माँ का जब वहाँ पे होता है पूजन, वहाँ के रहने वाले सुखी रहते हैं भक्तों आजीवन। दुर्गा महारानी का जहाँ पर होता है स्थान, माँ की महिमा सुना रहा हूँ सुनो लगा कर ध्यान। शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान। कथा सुनाते हैं माता की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं माता की, कथा सुनाते हैं। सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तों, नवरात्रों में माता रानी के मंदिरों में भक्त की भारी भीड़ लगी रहती है एवं सभी माँ के दर्शन करके अपनी श्रद्धा जताते हैं। जय कारा शेरा वाली दा। नवरात्रों में जगमग जगमग करते हैं माँ के मंदिर, नौ दिन में नौ देवियों का पूजन होता है घर घर। भक्तों द्वारा माँ दुर्गा का भवन सजाया जाता है, लाली चुनर ओढ़ा के लाल ही टीका लगाया जाता है। कजरा रे नैनों में बनाई जाती है कजरे की धार, तब जाकर पूरा होता माता महारानी का सिंगार। ज्योत जगा कर मैया की फिर शंख बजाया जाता है, भोग लगा कर माता को फिर प्रसाद खाया जाता है। भक्तों का मन मोह लेती है अम्बे की मुस्कान, माँ की महिमा सुना रहा हूँ सुनो लगा कर ध्यान। शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान। कथा सुनाते हैं माता की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं माता की, कथा सुनाते हैं। बोलिए साचे दरबार की जय। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए महारानी दुर्गा ने बड़ी ही कठिन तपस्या की, ऐसा शास्त्रों में आया है। आइए आगे का वृतांत सुनाता हूं कैसे। हर एक जन्म में दुर्गा बनी है शिव शंभु की अर्धांगिनी, कहीं पार्वती कहीं सती है कहीं वो है गौरा रानी। कठिन तपस्या करके माँ ने शिव शंभु को पाया है, शिव जी ने भी प्रसन्न होकर भवानी को अपनाया है। भोले के संग नंदी पर जब मैया करती है भ्रमण, दोनों ही की जोड़ी भक्तों लगती बड़ी है मन भावन। देख के गणपति देवा को माँ मंद मंद मुस्काती है, मधुर मधुर मुस्कान देवा की माँ मन को लुभाती है। गजानना श्री गणपति जी है माता की संतान,
माँ की महिमा सुना रहा हूँ, सुनो लगा कर ध्यान। शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान। कथा सुनाते हैं माता की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं माता की, कथा सुनाते हैं। जय माता दी। प्रिय भक्तों, दानवों एवं देवताओं में अक्सर युद्ध हुआ करता था, किंतु अपने वचन दिए अनुसार माँ देवताओं की सहायता के लिए आ ही जाती थी। तो सुनिएगा श्रद्धापूर्वक। देवगणों को माता महारानी ने ये वचन दिया, संकट जब भी आएगा तुम पर मैं करूंगी रक्षा। माँ के इन वचनों को सुन देवों का मन हर्षाया है, हाथ जोड़ कर देवों ने माँ का आभार जताया है। देवगणों में और असुरों में जब जब हुई लड़ाई है, देवगणों की रक्षा करने माँ महारानी आई है। माँ के आते ही दानव सेना में हाहाकार मचा, माता महारानी ने जिस दम असुरों पे प्रहार किया, कितने ही असुरों को माँ ने पहुँचाया शमशान। माँ की महिमा सुना रहा हूँ, सुनो लगा कर ध्यान। शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान। कथा सुनाते हैं माता की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं माता की, कथा सुनाते हैं। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। भक्तों, माँ शेरा वाली हमेशा भक्तों के दुख हरती है, बच्चों से प्यार करती है और उनकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। प्यार से बोलो जय माता दी। शिव शंकर भगवान की पत्नी बड़ी ही दाती दानी है, तपस्विनी है, योगिनी है, महारानी इतनी ध्यानी है। सारे जगत को पालने वाली ये माता जग जननी है, भक्तों के दुख हरने वाली ये मैया दुख हरनी है। माँ की इच्छा पर निर्भर है, जिसको जो चाहे वो दे। माँ है सबकी भाग्य विधाता, माँ ही सबके भाग्य लिखे। शब्द नहीं मिलते जो माता रानी का गुणगान करो, जी में आता है बस हरदम मैया का मैं ध्यान धरूं। माँ की महिमा अपरंपार है, माँ की निराली शान है। माँ की महिमा सुना रहा हूँ, सुनो लगा कर ध्यान। शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान। कथा सुनाते हैं माता की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं माता की, कथा सुनाते हैं। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। भक्तों,
महिषासुर राक्षस बड़ा ही शक्तिशाली एवं घमंडी था, परंतु माँ के आगे रणभूमि में उसकी एक न चली और वो मारा गया। कैसे? महिषासुर ने माता दुर्गा से जब लड़ने की ठानी, महंगी पड़ गई उस मूरख को लेकिन अपनी नादानी। माँ ने अपने अस्त्र शस्त्र से जब के उस पे वार किया, माँ कितनी शक्तिशाली है तब उसको ये ज्ञान हुआ। दुर्गा महारानी और महिषासुर में युद्ध हुआ जमकर, माँ ने उसे यमलोक पठाया, काट दिया फिर उसका सर। महिषासुर का वध करके फिर माता ने हुंकार भरी, देवों ने जयकार की जब रणभूमि से महारानी चली। टूट गया एक क्षण ही में महिषासुर का अभिमान, माँ की महिमा सुना रहा हूँ सुनो लगा कर ध्यान। शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान। कथा सुनाते हैं माता की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं माता की, कथा सुनाते हैं। बोलिए माँ दुर्गा महारानी की जय। राजा दक्ष ने शिव को अपने यज्ञ में आमंत्रण नहीं दिया, किंतु महारानी फिर भी पिता के यहाँ यज्ञ में भाग लेने गई। आगे क्या होता है सुने। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सब देवों को बुलवाया, पुत्री और दामाद को लेकिन संदेशा ना भिजवाया। शिव के मना करने पर भी गौरी जी पहुंची पिता के घर, किंतु उनका वहां किसी ने किया नहीं सम्मान आदर। राजा दक्ष ने शिव जी के बारे में कहे जब कटु वचन, पिता की बातों को सुन करके दुखी हुआ गौरा का मन। पिता से अपमानित होकर गुस्से में भर गई शिवानी, फिर जलते हुए हवन कुंड में वो जा करके कूद पड़ी। हवन कुंड में कूद के दे दी माँ दुर्गा ने जान, माँ की महिमा सुना रहा हूँ सुनो लगा कर ध्यान। शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान, शेरा वाली दुर्गा माँ का करता हूँ गुणगान।